हेलो सिनेमा लवर्स, आप सभी को पद्मावत मूवी की ये बात तो पता ही होगी कि फिल्म का नाम पहले पद्मावती होने वाला था, पर बाद में कुछ कंट्रोवर्सीज की वजह से फिल्म के मेकर्स को इसका नाम पद्मावती से चेंज करके पद्मावत रखना पड़ा था। पर ये बॉलीवुड की कोई पहली और आखिरी फिल्म नहीं है जिसके साथ में ऐसा हुआ हो। बॉलीवुड ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल से भरा हुआ है। ऐसा ज़्यादातर फिल्म से जुड़े कॉन्ट्रोवर्सी की वजह से होता है, जैसे कि पद्मावत के केस में हुआ था। और इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपके लिए ऐसी ही 10 फिल्में लेकर आए हैं जिनका पहले कुछ और नाम होने वाला था पर बाद में उनका नाम चेंज करके कुछ और रखा गया, जिस वजह से आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो ज़्यादा टाइम ना गंवाते हुए आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लक्ष्मी। अक्षय कुमार की लक्ष्मी एक हॉरर कॉमेडी जॉनर की फिल्म है जो साउथ की फिल्म कंचना का हिंदी रीमेक है। और इतना ही नहीं बल्कि इसे डायरेक्ट भी किया था राघव लॉरेंस ने, जिन्होंने ओरिजिनल कंचना मूवी को ना सिर्फ डायरेक्ट किया था बल्कि उसे प्रोड्यूस भी किया था और उसमें एज एक्टर काम भी किया था। कंचना मूवी देखने के बाद से ही अक्षय कुमार हमेशा से इसका हिंदी में रीमेक बनाना चाहते थे और फाइनली इस फिल्म को अनाउंस किया गया, जहां पर पहले इसका नाम रखा गया था लक्ष्मी बॉम्ब। और इस टाइटल के साथ में फिल्म को 22 मई 2020 को थिएटर्स में रिलीज किया जाना था, पर तभी कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से फिल्म की रिलीज को पोस्टपोन किया गया। और इसी बीच फिल्म के मेकर्स को राजस्थान के एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन जिनका नाम है श्री राजपूत कर्णी सेना, इनकी तरफ से एक लीगल नोटिस मिलता है। इस नोटिस में उन्होंने लिखा था कि आपके फिल्म का जो नाम है वो हिंदू देवी लक्ष्मी जी की डिसरिस्पेक्ट करने के बराबर है और इसलिए फिल्म का नाम चेंज किया जाए। और इस नोटिस के बाद ही 29 अक्टूबर 2020 को फिल्म का नाम चेंज करके लक्ष्मी रखा गया और इस नए टाइटल के साथ में फिल्म को 9 नवंबर 2020 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया गया था। सबसे बड़ा भूत तो यही है वो परछाई। आसिफ, वो मेरे पिताजी है। तमाशा। इम्तियाज अली की तमाशा सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनी हुई फिल्म नहीं है बल्कि इसे देखने वाले हर उस इंसान की स्टोरी है जिसने सोसाइटी में फिट होने के लिए अपने सपनों को भुला दिया है। और हम सभी लोग जो जी रहे हैं वो एक ट्रैप की तरह है। ये फिल्म इसे देखने वाले इंसान के पर्सपेक्टिव को हमेशा के लिए चेंज करने की ताकत रखती है और इसी वजह से ये एक मास्टरपीस है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक अंडररेटेड फिल्म है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग बात करते हैं। जब इस फिल्म को अनाउंस किया गया था तब इसका नाम विंडो सीट रखा जाना था और ये नाम रखने की वजह जब इम्तियाज अली से पूछी गई तब उन्होंने बताया कि ये फिल्म एक जर्नी को दिखाती है, एक ऐसी जर्नी जिसमें आप ट्रेन के विंडो सीट पर बैठे हुए हो और आपको पता है कि आपके ट्रेन का आखिरी प्लेटफॉर्म कौन सा होने वाला है। और आप उस विंडो सीट पर बैठे हुए बाहर की खूबसूरती को तो देख पा रहे हो लेकिन आपको ट्रेन में बैठे बाकी लोगों के साथ में ना चाहते हुए भी उस सफर को कंटिन्यू करना पड़ रहा है क्योंकि बाकी लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उस ट्रेन को वहीं पर छोड़कर किसी अलग प्लेटफॉर्म पर उतर जाते हो जिसके बारे में आपने कभी प्लान भी नहीं किया था तो आपकी लाइफ जर्नी कैसी होगी, इस फिल्म में दिखाया गया है। लेकिन विंडो सीट ये नाम फिल्म की स्टोरी लाइन से इतना रिलेट नहीं कर पा रहा था जिस वजह से इस नाम को चेंज करने का सोचा गया। और इम्तियाज अली के दिमाग में एक दूसरा नाम भी था जो कि था तमाशा। और तमाशा ये नाम कहीं ना कहीं पर तो फिल्म की स्टोरी लाइन से ज्यादा हद तक रिलेट कर पा रहा था जिस वजह से इस नाम को फाइनल किया गया। क्या है तेरे दिल के अंदर, चाहता क्या है तू? आर राजकुमार। प्रभुदेवा के डायरेक्शन में बनी आर राजकुमार लव स्टोरी कॉमेडी और एक्शन को बहुत ही बेहतरीन मैनर में प्रेजेंट करती है। लेकिन इस फिल्म का जो नाम है आर राजकुमार ये सुनने में ही काफ़ी इनअप्रोप्रिएट लगता है। और फिल्म का नाम ऐसा क्यों रखा गया है ये बात जब इसके मेकर से पूछी गई तब इस पर कुछ अलग ही जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि फिल्म में दिखाया गया शाहिद कपूर का जो कैरेक्टर है वो काफ़ी रोमियो मिजाज का है और उसका नाम है राजकुमार, इसलिए फिल्म का नाम आर राजकुमार रख दिया है। पर असल रीज़न ये नहीं है बल्कि कुछ और ही है। फिल्म का जो पहले नाम रखा गया था वो था रैम्बो राजकुमार और आप लोगों को ये बात तो पता ही होगी कि रैम्बो हॉलीवुड की एक फेमस मूवी सीरीज है और रैम्बो के जो मेकर्स हैं उन्होंने रैम्बो इस वर्ड को पेटेंट करवा लिया था जिस वजह से आर राजकुमार के मेकर्स इसका यूज़ नहीं कर सकते थे और इसलिए उन्होंने फिल्म का नाम चेंज करने का सोचा। पर तब तक काफ़ी देर हो गई थी क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये बात पता चल गई थी कि फिल्म का नाम रैम्बो राजकुमार होने वाला है और इसलिए फिल्म के मेकर्स ने पूरे नाम को चेंज करने के बजाय कुछ अल्फाबेट्स को गिराकर आर राजकुमार इस वर्ड को फाइनल कर दिया था और इसलिए ये टाइटल सुनने में ही काफ़ी इनअप्रोप्रिएट लगता है। तो तू सिर्फ अमिताभ बच्चन से प्यार करेगी? तेरा वजन देखा है? मैंने कुछ बोला? मैं भी तो एडजस्ट कर रहा हूँ ना। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। अपने सबसे बड़े डर पर काबू पाने से लेकर जिंदगी के इंपॉर्टेंट डिसीजंस किस तरह से लिए जाने चाहिए ऐसे ही बहुत सारे लाइफ लेसन जिंदगी ना मिलेगी दोबारा हमें सिखाती है। फिल्म में दिखाई गई दोस्त के बीच की मस्ती हो गई या फिर उनके कॉमेडी ह्यूमर्स हमें बहुत एंटरटेन करते हैं। फिल्म का पहले जो नाम रखा गया था वो था रनिंग विद द बुल्स। आई नो कि सुनने से कहीं पर भी फिल्म की स्टोरी लाइन से रिलेट नहीं कर पाता है ना, और इसीलिए फिल्म के मेकर्स ने इसे चेंज करने का सोचा, जिसके लिए उन्होंने 2008 में रिलीज हुई फरहान अख्तर की मूवी रॉक ऑन के टाइटल सॉन्ग से इंस्पिरेशन ली थी। इस सॉन्ग में वो जो एक लाइन है लाइन का इस्तेमाल करके फिल्म को एक नया टाइटल दिया गया जो था जिंदगी ना मिलेगी दोबारा और ये टाइटल इस बार फिल्म की स्टोरी लाइन से एकदम परफेक्टली मैच भी करता था।
सच होता क्या है? हर एक का अपना अपना वर्जन होता है सच का। मद्रास कैफे। मद्रास कैफे ट्रू इवेंट्स पर आधारित है। 1983 से लेकर 2009 के बीच में श्रीलंका में जो सिविल वॉर हुई थी उसमें इंडिया किस तरह से इन्वॉल्व हुई और इंडिया के इस वॉर में इन्वॉल्व होने की वजह से हमारे देश के एक्स प्राइम मिनिस्टर यानी कि राजीव गांधी की किस तरह से हत्या की गई थी यह हमें इस फिल्म में दिखाया गया है। इस वॉर में ज़्यादातर हमले श्रीलंका के जाफनाई शहर में किए जाते थे और इस वॉर की शुरुआत भी कहीं ना कहीं पर तो जाफनाई शहर से ही हुई थी, इसलिए फिल्म का नाम पहले जाफना रखा गया था। लेकिन ये नाम रखने की वजह से श्रीलंका की हिस्ट्री में जो हो चुका है उस वजह से लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकते थे और इसलिए फिल्म का नाम चेंज करके मद्रास कैफे रखा गया था। अगर आपको श्रीलंकन सिविल वॉर के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है तो मेरे तरफ से मद्रास कैफे आपके लिए एक मस्ट वॉच सजेशन होगी। श्रीलंका के इतिहास में वो डार्कस फेस था। लव यात्री। सलमान खान के प्रोडक्शन में बनी लव यात्री मूवी एक ऐसी कंट्रोवर्सी में फंसी जिसके वजह से सलमान खान पर कोर्ट केस करी गई थी और वो कंट्रोवर्सी इस फिल्म के नाम से जुड़ी थी। इस फिल्म में हम देखते हैं कि सुश्रुत नवरात्रि के दिनों में मनीषा से मिलता है और ये दोनों ही नवरात्रि के दिनों में एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और इसलिए फिल्म का जो पहले नाम रखा गया था वो था लव रात्रि। पर इस पर ऑब्जेक्शन लेते हुए हिंदू ऑर्गेनाइजेशन विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि फिल्म का जो टाइटल है वो हिंदू फेस्टिवल नवरात्रि का नाम गलत वे में दिखाता है और इस पर एक्शन लेते हुए उन्होंने सलमान खान और फिल्म के बाकी मेंबर्स पर बिहार के कोर्ट में केस फाइल करी थी और इसलिए आखिरकार फिल्म का नाम चेंज करके लव यात्री कर दिया था जिसके वजह से टाइटल का पूरा मीनिंग ही चेंज हो गया। इस नवरात्रि में ऐसा जादू है किसी को जादू जैसा फील नहीं होता। वीर जरा। शाहरुख खान की वीर जरा बॉलीवुड के कल्ट क्लासिक्स में शुमार है जिसे लेजेंडरी डायरेक्टर और यशराज स्टूडियोज के फाउंडर यश चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था। जब इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी तब यश चोपड़ा इस फिल्म को एक नाम देने वाले थे और वो नाम था ये कहा गए हम, क्योंकि ये कहा गए हम यश चोपड़ा का ड्रीम टाइटल था और वो हमेशा से इस टाइटल को लेकर एक फिल्म बनाना चाहते थे। लेकिन ये टाइटल फिल्म की स्टोरी लाइन से मैच नहीं कर पा रहा था जिस वजह से बाद में उनकी टीम ने ये डिसाइड किया कि फिल्म के दोनों लीड्स का नाम लेकर फिल्म को टाइटल दिया जाए और इस तरह से फिल्म को अपना नया टाइटल मिला जो था वीर जरा। पर यश चोपड़ा अपने पैशन को लेकर यहीं पर नहीं रुके बल्कि इस फिल्म के रिलीज के 8 सालों बाद 2012 में जब तक ये जान आई थी जो यश चोपड़ा की डेथ से पहले उनकी डायरेक्शन में बनी आखिरी फिल्म थी और इस बार भी उस फिल्म को अपना ड्रीम टाइटल देने वाले थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइटल इस बार भी फिल्म की स्टोरी लाइन से मैच नहीं कर पा रहा था जिस वजह से बाद में उनकी टीम ने फिल्म को एक नया टाइटल दिया जो था जब तक है जान, जो कि शोले मूवी के जब तक है जान गाने से इंस्पायर था जिस गाने में हमने बसंती को कुत्तों के सामने नाचते हुए देखा था। बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। जजमेंटल है क्या। इस फिल्म में हम देखते हैं कि बॉबी जिसे बचपन में हुए एक हादसे की वजह से ट्रॉमा फेस करना पड़ता है और बड़े होकर भी उसे उस ट्रॉमा के वजह से ही हेलुसिनेशंस आने लगते हैं और इसी कंडीशन में वो केशव नाम के एकदम इनोसेंट इंसान से मिलती है जिसे आप शातिर भी कह सकते हो और कुछ ही दिनों बाद केशव की वाइफ का मर्डर हो जाता है। इस पर इल्ज़ाम लगाते हुए बॉबी कहती है कि केशव ने अपनी वाइफ को मारा था पर केशव के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिल पाता है और आखिरकार बॉबी एक्सेप्ट कर लेती है कि उसी ने केशव की वाइफ को मारा था। पर क्या सच में उसने मारा था या केशव ने मारा था ये जानने के लिए आपको 2019 में रिलीज हुई ये फिल्म देखनी पड़ेगी जिसका नाम है जजमेंटल है क्या। ये फिल्म भी अपने नाम के चलते कंट्रोवर्सी में आई जहां पर पहले इसका नाम रखा गया था मेंटल है क्या और इस पर ऑब्जेक्शन लेते हुए इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी ने बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को एक केस फाइल करी जिसमें उन्होंने कहा कि फिल्म का जो नाम है वो मेंटल हेल्थ से जूझ रहे लोगों का मजाक उड़ाता है और इसलिए बाद में फिल्म का नाम चेंज करके जजमेंटल है क्या रख दिया गया था। कुमारी जी, एक जवान की बीबी अगर सीढ़ियां चढ़ रही हो उसे क्या कहेंगे? चढ़ती जवानी। सम्राट पृथ्वीराज। पृथ्वीराज चौहान जिन्हें आखिरी हिंदू सम्राट भी कहा जाता है लोग इन्हें आज भी एक महान राजा मानते हैं और ऐसे ही एक महान राजा के लाइफ पर बॉलीवुड में एक फिल्म बनती है जिसका नाम है सम्राट पृथ्वीराज। ये फिल्म अपने नाम के चलते बहुत बड़े कंट्रोवर्सी में फंसी थी क्योंकि इस फिल्म पर जब काम किया जा रहा था तब इसका नाम सिर्फ पृथ्वीराज रखा गया था और इस पर ऑब्जेक्शन लेते हुए राजस्थान की हिंदू ऑर्गेनाइजेशन श्री राजपूत करनी सेना जिनके बारे में मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था उन्होंने फिल्म के मेकर्स के अगेंस्ट एक PIL फाइल करी। उन्होंने कहा कि पृथ्वीराज चौहान जैसे राजा का नाम रिस्पेक्टफुली लिया जाना चाहिए और फिल्म का नाम सिर्फ पृथ्वीराज रखने से ये कहीं से भी रिस्पेक्टफुल नहीं है और इसलिए फिल्म का नाम चेंज करके द ग्रेट इंपीरियर पृथ्वीराज चौहान रखा जाए। पर दिल्ली के हाई कोर्ट ने इस केस को डिसमिस कर दिया जिसके बाद में इस ऑर्गेनाइजेशन ने राजस्थान में बहुत बार प्रोटेस्ट भी किया और आखिरकार उनके सुनते हुए फिल्म का नाम चेंज करके सम्राट पृथ्वीराज रखा गया। जिंदा रहो यह देखने के लिए कि पृथ्वीराज किसी मौके का मोहताज नहीं। जब वे मिट। 2006 से 8 के बीच में हमें बॉलीवुड की सबसे फेमस लव स्टोरी देखने को मिली थी और वो थी शाहिद कपूर और करीना कपूर की। इन दोनों के प्यार के चर्चे उन दिनों हर जगह पर होने लगे थे और इसी बीच इन दोनों की एक रोमांटिक फिल्म आती है जिस फिल्म का नाम है जब वी मेट
और अपने इसी यूनिक नाम की वजह से लोगों को ये फिल्म आज भी याद है। लेकिन इस फिल्म का नाम पहले कुछ और ही रखा जाना था। फिल्म के मेकर्स ने इस फिल्म के लिए दो नाम सोच कर रखे थे, जिनका मतलब तो वैसे एक ही होता था, पर नाम दो अलग अलग फाइनल किए गए थे, जिनमें से पहला नाम था इश्क वाया भटिंडा और दूसरा नाम था लव वाया भटिंडा। पर बहुत सोचने के बाद फिल्म की टीम ने फाइनली इस फिल्म को एक अलग ही नाम दिया, जो था जब वी मेट। अच्छा, तुम्हारा फेवरेट हीरो कौन है? बोलो ना, ये तो कोई सीक्रेट नहीं है यार। कहाँ गया हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ? हाँ तो गाइज, यही वो 10 फिल्में थी जिनके नाम को चेंज किया गया। मैं हर वीडियो के एंड में आपसे पूछता हूँ कि वीडियो में बताई गई फिल्मों में से आपके फेवरेट फिल्म कौन सी है, या फिर ऐसा ही कुछ। लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे फीडबैक दो। अगर आपको मेरी वीडियोस देखना पसंद है तो क्यों है, और अगर आपको मेरी वीडियोस देखना पसंद नहीं है तो क्यों नहीं है, या फिर वो कौन सी चीज़ है जैसे मैं गलत तरह से करता हूँ और उसे सुधार कर मैं आपके लिए और भी बेहतर तरह से वीडियो बना पाऊँ। आपका जो भी आंसर है उसे कमेंट करिए, और हाँ, कमेंट जरूर से करना है वरना मैं मम्मी को बता दूंगा। और आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड जय महेश पते।